नमस्कार, News4nation देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक ओर चुनाव आयोग जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे सुझाव मांग रहा है, नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीतिक पार्टियां भी पूरी तरीके से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। रणनीतियां बनाई जा रही है, स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाई जा रही है ताकि एक एक लोगों तक अपनी बात को पहुंचाई जाए। अब इसी बीच ADR यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक डेटा जारी किया है। इस डेटा के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस पर गौर किया जाए तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने पब्लिसिटी पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए। ऐसे में ADR ने अब सुझाव दिया है कि इस बार राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो तय सीमा के अंदर ही पैसे खर्च करें, यानी कि लिमिट खर्चा ही किया जाना चाहिए। ADR के आंकड़ों के मुताबिक पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टियों ने कुल 75 करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ पब्लिसिटी में किया, जबकि राजनीतिक दलों के नेताओं की यात्रा पर 69,000 खर्च किए गए। वहीं करीब 47 करोड़ रुपए विभिन्न दलों ने अपने उम्मीदवारों को दिए। आपको बता दें कि ADR ने ये विश्लेषण राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव आयोग के दिए गए आंकड़ों के आधार पर किया है। ADR ने 15 राजनीतिक दलों के खर्च के विश्लेषण के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इन राजनीतिक दलों को 151 करोड़ रुपए का फंड मिला, जिसमें से 150 करोड़ पार्टियों ने खर्च किया। जिन 15 पार्टियों के खर्च का विश्लेषण किया गया उनमें 6 राष्ट्रीय स्तर की हैं और 9 क्षेत्रीय हैं। पार्टियों के खर्च के विश्लेषण के साथ ही ADR ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च सीमा के अंदर ही की जानी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों को खास फॉर्मेट में ही अपने खर्च का ब्यौरा देना चाहिए। इसके अलावा ADR ने राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान में चंदा देने वाले सभी लोगों की जानकारी भी आयोग को दिए जाने की अनुशंसा की है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 29 नवंबर से पहले प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से जुट गए हैं। तो ADR की तरफ से जो विश्लेषण और जो नतीजे तैयार किए गए हैं वो डिफरेंट पार्टियों की तरफ से जो ब्यौरा सौंपा गया है उसके आधार पर किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 9 क्षेत्रीय और 11 ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने कई करोड़ रुपए खर्च किए और सबसे ज़्यादा जो रुपए खर्च किए गए हैं वो पब्लिसिटी पर खर्च किए गए हैं। ऐसे में ADR ने ये सुझाव भी दिया है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में जो पैसे हैं वो पब्लिसिटी पर एक लिमिटेशन के अंदर ही खर्च किया जाना चाहिए, लिमिट के बाहर क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। ये जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं और भी खर्च किया जाना चाहिए, सिर्फ पब्लिसिटी पर इतने पैसे लुटाना कोई मकसद नहीं होना चाहिए। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News4nation। नमस्कार।